कांच के टुकड़ों को भी धूलि कहते हैं गुणशेखर, पर जब वो आंखों में गिरते हैं रक्त में बदल जाता है। तो दोस्तों विजय एंथनी स्टारर कुरियल उरुबन इस मूवी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानने सही है क्योंकि ये मूवी पैन इंडिया मूवी है। इस मूवी को मल्टी लैंग्वेज के साथ यानी पांच भाषाओं के साथ रिलीज की जाएगी जिसमें हिंदी भी शामिल है। और सबसे बड़ी जो बात है अगले महीने को ही यानी अप्रैल के महीने में ये मूवी रिलीज की जाएगी डायरेक्टली थिएटरों में। तो दोस्तों थोड़ा बहुत रिव्यू करने वाला हूँ, थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे। तो दोस्तों कुरियल उरुबन तमिल यानी कॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी है जिसमें ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म के लीड कास्ट पे हमें नजर आएगी विजय एंथनी और ब्यूटीफुल अथामिका जी को। और जैसे कि बताया है ये मूवी यानी कुरियल उरुबन एक पैन इंडिया मूवी है। इस मूवी को मल्टी लैंग्वेज के साथ रिलीज किया जाना है जिसमें हिंदी भी शामिल है और इस मूवी के हिंदी टाइटल है विजया राघवन। कुछ ही दिन पहले इस मूवी के टीजर आए थे और हिंदी टीजर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख लेना। टीजर पे बहुत पावरफुल एक्शन दिखाए हैं और सबसे एक्साइटेड कर देते इस मूवी के नेगेटिव रोल। जी हाँ दोस्तों इस मूवी के नेगेटिव रोल यानी विलेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। रामाचंद्रन राजू जी जिन्हें हम गरुड़ राम से जानते हैं इस मूवी के अंदर जो डायलॉग से एंट्री ली है खतरनाक बीजीएम के साथ, वो दोस्तों देखने लायक है। ओवरऑल दोस्तों ऐसे तो विजय एंथनी जी की मूवी हम पहले भी देखे हैं लेकिन इस मूवी के बात ही कुछ अलग है क्योंकि इस मूवी के अंदर भरपूर पैसा खर्चा किया गया है, एक्शन स्टंट में बहुत पावरफुल दिखाया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मेहनत किया गया इस मूवी के अंदर। और इसीलिए ही शायद इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी अगले महीने जिसमें हिंदी भी शामिल है। टेंशन की बात नहीं है, अगले महीने को ये मूवी देखने को मिलेगी डायरेक्टली थिएटरों में। बताना चाहूंगा दोस्तों इस मूवी को अनंदा कृष्णन जी ने डायरेक्शन दी है, वही दोस्तों मूवी को प्रोड्यूस किया है टी डी राजा और डॉक्टर संजय कुमार जी ने। वही दोस्तों मूवी के अंदर म्यूजिक होगी निवेश की प्रशांत की। और जैसा की दोस्तों बताया है पैन इंडिया रिलीज की जाएगी, मल्टी लैंग्वेज के साथ इस मूवी को रिलीज किया जाना है। ऐसे तो ये तमिल मूवी है और इस मूवी को जब रिलीज किया जाना है अगले महीने अप्रैल के महीने में, इस मूवी को तमिल के साथ साथ तेलुगु मलयालम हिंदी और कन्नड़ा पे एक ही साथ रिलीज की जाएगी थिएटरों में। तो दोस्तों इस मूवी को लेके आपका है क्या रिएक्शन कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।